हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। ओके, तो सभी ने टाइटल थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा। ओके, तो सबसे पहले कहूँगा कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करो। ओके, उसके बाद वीडियो को देखना कंप्लीट, पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंस्टाग्राम की मतलब आईडी को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो आप, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में, बताया जाएगा सारा कुछ। ओके, तो मतलब कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आपको अब मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। मतलब कि हमने ओपन कर लिया अकाउंट को, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपको क्या क्लिक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, हेल्प पे आपको क्लिक कर देना है। हेल्प पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करना, जैसे ही आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो यहाँ से आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो कर सकते हो, वरना मतलब जो है वो रहने देना। ओके, अगर करनी है तो कर सकते हो, मैंने नहीं की। ओके, तो उसके बाद आपको ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको सर्च के बगल में 3 डॉट देखने को मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारा कुछ आपका मतलब दिखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो मैनेज यूअर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। मैनेज यूअर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वेरिफिकेशन बैच सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डिलीट यूअर अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलकर आ जाएगा, उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है। तो जैसे ही आप ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिलीट यूअर अकाउंट। ओके, पेज अकाउंट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आपके अकाउंट का। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा कि आपका ये अकाउंट है। ओके, तो यहाँ से आपको कर देना है क्लिक। ओके, तो देख सकते हो कि ये आपका अकाउंट खुलकर आ गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपके अकाउंट का नेम लिखा आ जाएगा। ओके, तो आपका मतलब अकाउंट का नाम लिखा होगा और नीचे आपको ये डॉट देखने को मिलेगा। ओके, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका रीजन क्या है आपको अकाउंट डिलीट करने का, तो यहाँ से आप कोई सा भी मतलब जो रीजन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ क्रिएट ए सेकंड अकाउंट, कि मेरा एक और अकाउंट है। ओके, इसलिए मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है अकाउंट का। ओके, तो मैं आपको डाल देता हूँ अपना पासवर्ड। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा डिलीट, उसके बाद आपके अकाउंट का नेम, और यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही है एक फरवरी 2, 2020। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ओके कर देना आपको। ओके, तो आपका अकाउंट होने लगेगा रिफ्रेश, उसके बाद आपका मतलब कि 2 लॉगआउट हो जाएगा अपने आप अकाउंट। तो आपका मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपको डेट देखने को मिली थी वही डेट तक आप अगर मतलब कि
अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, एक मंथ लगता है इसमें, 2 फरवरी तक मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर उससे पहले आप लॉगिन करके देखोगे आपके अकाउंट को, तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। ओके, तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर देना।